यहाँ पे हम जो आज के इस वीडियो के अंदर आज हम टियर डाउन वीडियो यहाँ पे बनाने वाले हैं। साउंड बार की जो हम यहाँ पे टियर डाउन वीडियो करने वाले, ये जो है बोट अवंते बार 553 है, जिसकी ये जो है इसका जो कैसा रेडिएटर वगैरह जो है फिटिंग्स रहती है उसके बारे में सारी चीज आज के इस वीडियो के अंदर आपको जो है मालूम पड़ने वाली है। थोड़ा सा वीडियो अलग यहाँ पे होने वाले है दोस्तों जो है, और इस वीडियो को जो आप बहुत ज्यादा प्यार यहाँ पे देते हैं तो ऐसे और वीडियो में साउंड बार के थ्रू और स्पीकर्स के थ्रू लेके आऊंगा। जिसकी और इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो है वीडियो हेल्पफुल हो जाती है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए और वीडियो भी एक लाइक कर लीजिए। और इस वीडियो को जो हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं, तो जो टियर डाउन करने के लिए जो आपके पास इस तरह का जो दो दो यहाँ पे आपको जो है टूल्स चाहिए होगा, जिसके आपको जो पहले उसके ऊपर एक जाले मिलती है ना, उसको आप रिमूव करने के लिए जो आपको इस तरह का जो टूल्स चाहिए होगा, तो इसको आप यहाँ पे डाल के जो है ना सिंपल से इसको आप यहाँ पे जो है इसकी जो जाली को यहाँ पे आप जो है रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है जाली को रिमूव करने में जो है काफ़ी ज़्यादा इजी है, इजीली आप जो है यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। कुछ इस तरह का जो है इसको हम साइड रखेंगे और कुछ इस तरह का यहाँ पे अंदर के तरफ यहाँ पे आपको देखने मिल जाते हैं। ये आपको जो है रेडिएटर्स देखने मिल जाता है और ये आपको स्पीकर्स देखने मिल जाएंगे। तो उसके मदद से जो है ना आप यहाँ पे इस तरह का जो इसको बाहर निकाल सकते हैं, कुछ इस तरह का जो है, कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको जो स्पीकर्स देखने मिल जाता है, जिसकी ये आपको पूरा का पार्ट है मैग्नेट का यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है, और ये आपको जो है स्टील का यहाँ पे आपको देखने मिलता है, ये आपको रबराइज मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो प्लास्टिक मिल जाएगा। तो अंदर की तरफ कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको जो है स्पीकर्स देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको जो कुछ इस तरह का यहाँ पे सेटअप्स देखने मिल जाएगा। यहाँ पे को निकालने के लिए जो है आपको जो है इसके अंदर बहुत सारे नट बोल्ट्स है, उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं फटाक से यहाँ पे जो नट बोल्ट्स को रिमूव कर लेता हूँ। तो जो है मैंने जो है सभी जो है नट बोल्ट को जो यहाँ पे मैंने रिमूव कर लिया हूँ, जिसकी यहाँ पे इसको किस तरह जो आप निकाल सकते हैं, जिसकी ये टूल यहाँ पे आपको चाहिए होगा तब जाके जिसकी आप इसको जो आप निकाल सकते हैं, जिसकी कुछ इस तरह का जो इसको लॉक्स रहती है, तो लॉक्स अच्छी तरह से इसको आपको जो बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके इसको आपका जो है इसका जो ऊपर रहता है कवर वो बाहर निकल जाएगा। इस तरह का जो यहाँ पे प्रोसेस इसका जो ओपन करने के बाद रहता है, जिसके अब आपको जो सारा जो इसका जो है टच कंट्रोल्स का जो यहाँ पे आईसी वगैरह जो यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है जिसकी, और यहाँ पे आपको जो सारे जो है कनेक्टर वगैरह जो है यहाँ पे सारा सेटअप्स यहाँ पे आपको देखने मिलता है, और यहाँ पे आपको जो बैटरीज देखने मिल जाती है जिसकी, और इसको आप निकाल सकते हैं, जिसकी इसको निकालने के लिए जो आपको ये टूल चाहिए होगा, तो यहाँ से आप जो नट को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, जो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, जिसके आप यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको जो यहाँ पे प्रोसेसिंग सारा देखने मिलता है जिसकी, और ये है USB मिलता है, मेमोरी कार्ड डालने के लिए स्लॉट यहाँ पे मिलता है, 3.5 जैक मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे टाइप सी पोर्ट देखने मिल जाती है, और कुछ इस तरह का आपको जो यहाँ पे सेटअप्स देखने मिल जाता है, बैटरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी जिसकी, और यहाँ पे हम जो फिर से इसको जो है फिट करते हैं किस तरह का जो जिसकी इसको आपने निकाला वैसा ही जो है इसको आप यहाँ पे लगा दीजिए, जिसकी आप देख लीजिए जिसकी बैक साइड की तरफ जो इसका पोर्ट्स जो है ना ये सही से आ रहे हैं या नहीं, यहाँ पे आप देख लीजिए जिसकी, और ये सही से आ रहे हैं जिसकी, इसको हम यहाँ पे जो है स्क्रू को जो है यहाँ पे लगाएंगे कुछ इस तरह का जो है, और इसको टाइट करेंगे। हमने टच कंट्रोल्स को रिमूव कर लिया था, जिसकी यहाँ पे जो हम इसको इस तरह का जो है इसकी जो है हुक्स के अंदर इसको हम डालेंगे और थोड़ा सा ऊपर रख के यहाँ पे हम सेट करेंगे, और यहाँ पे लग चुका है जिसकी ये टच कंट्रोल्स जो है अच्छी तरह से, और यहाँ पे इसको प्रेस करती जो यहाँ पे लाइट्स यहाँ पे वन हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो है, और इसको जो यहाँ से हम जो है यहाँ पे वायर्स को यहाँ पे लगाएंगे जिसके यहाँ पे लगाएंगे, और इसका जो है पूरा सेटअप जो है ये इसको हम फिर से फिट करेंगे जिसको जो है कुछ इस तरह का जो है, और आपको जो है फिट करते वक्त आपको जो क्या करना है सिंपल तरह से इसको जो है यहाँ पे जो प्रेस करके जो है ना आपको यहाँ पे फिट करना है, और इजीली फिट यहाँ पे हो जाएगा जिसके, और ऊपर नीचे यहाँ पे फिटिंग्स रहेगी नहीं, तो काफ़ी अच्छे से आप यहाँ पे कर सकते हैं इसके। दोस्तों जो हमने जो ओपन किया था वैसे ही यहाँ पे जो पैकिंग वगैरह जो करके जो स्क्रू को टाइट वगैरह जो करके जो ना यहाँ पे रख लिया हूँ, जिसके उसके ऊपर एक आपको जो एक प्रोटेक्शन मिलता है, तो इस प्रोटेक्शन को कुछ इस तरह का जो यहाँ पे आप रख लीजिए,
और यहाँ करने के बाद पहले था वैसा यहाँ पे आपका जो साउंड बार हो चुका है जिसकी इसके जो बटन वगैरह जो अभी काफी तरह से यहाँ पे वर्क करता है जिसकी, और बैक साइड की तरफ अच्छी तरह से फिटिंग्स भी यहाँ पे आ चुकी है जो है। और इसको हम फटाक से कनेक्ट कर लेते हैं ब्लूटूथ के साथ और इसको ऑन करके हम देख लेते हैं साउंड क्वालिटी कैसी दे रही है। जो टीयर डाउन करने के बाद इसके जो साउंड परफॉर्मेंस की बात करें जाए ना, साउंड परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी तरह से आ रही है। साउंड परफॉर्मेंस में ऐसे कोई भी डिफरेंस नहीं है टीयर डाउन करने के बाद जो है जिसकी। और यहाँ पे आप जो है कुछ इस तरह का मैंने टीयर डाउन आपको बताया वैसा आप टीयर डाउन कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी वीडियो हेल्पफुल हुआ है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। हम इसी तरह के जो टेक रिलेटेड कॉन्टेंट लेके आते रहते हैं। हम मिलते हैं आपके जो नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।